चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब अपने नए मिशन की तैयारी में जुट गया है। इसरो अब 2 सितंबर को सूरज पर स्टडी के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। आदित्य L1, जिसे सूर्यान भी कहा जा रहा है, ये भारत का पहला सोलर मिशन होगा। अहमदाबाद में मौजूद इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने कहा है कि ये स्पेसक्राफ्ट तैयार है, लॉन्च के लिए रेडी है। आदित्य L1 मिशन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में रखा गया है। यहाँ पर अब इसे रॉकेट में लगाया जाएगा और यहीं से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। Aditya is a mission to Sun. It is getting ready and it is just ready for launch. First week of September it will be launched. And after that it will be launched, it will travel for many days to reach the L1 point. कहां और कैसे काम करेगा आदित्य L1? इस मिशन को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट 15 लाख किलोमीटर की यात्रा 127 दिनों में पूरी करेगा। इसे हेलो ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा, जहां L1 पॉइंट यानी लैरेंजियन पॉइंट होता है। ये पॉइंट सूरज और धरती के बीच में स्थित होता है, लेकिन सूरज से धरती की दूरी की तुलना में मात्र 1% है। लैरेंजियन पॉइंट असल में अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस है, जहां पर कई उपग्रह तैनात किए गए हैं। सूर्य की कैसे करेगा स्टडी? सूर्ययान में लगा VLC सूरज की HD फोटो लेगा और इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी और पॉलीरीमेट्री भी करेगा। किसने तैयार किया सूर्ययान का डिजाइन? आदित्य L1 से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पेलोड विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ है। इस पेलोड को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। सूर्ययान में 7 पेलोड्स हैं, जिनमें से यह 6 पेलोड इसरो और अन्य संस्थानों ने बनाया है। भले ही ये भारत का पहला सूर्य मिशन है, लेकिन भारत से पहले सूरज पर अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 22 मिशन भेजे हैं। ये सभी मिशन सफल रहे हैं। अब भारत भी आदित्य L1 मिशन के सफल होने की उम्मीद जता रहा है।